कहते हैं। क्या बोला अपन ने? इमेजिनरी मतलब नकली, इमेजिनरी मतलब जो आपकी इमेजिनेशन में हो, जिसका रियल से कोई मतलब नहीं है बेटे। सिंपल सा पॉइंट, मैंने क्या बोला, जो कि इमेजिनेशन में हो, आपकी इमेज नंबर बोलते हैं अपन लोगों। फिर मन में आया कि सब, हाँ बेटे मतलब इमेजिन करने तो कोई अच्छी चीज करो। अब इतना अच्छा चीज तुम इमेजिन करो जो रियल नहीं है बेटा। बेटे इमेजिनेशन का मतलब ही क्या है बेटे? काल्पनिक, जो आपकी कल्पनाओं में भी ना हो बेटे। हाँ ये तो हो ही सकता भाई ऐसा बेटे कुछ। तो जब x स्क्वायर को हम लोगों ने माइनस वन लिखा बेटे, तो दुनिया वालों लिखा x इज इक्वल टू क्या होता है, रूट ऑफ माइनस वन। सही है भाई, क्या लिखेंगे हम लोग? स्क्वायर जाके वहां जाके रूट बन जाता है, मालूम है ना सबको बेटे? अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है तो x के लिए 4 की बार बेटे 1 बाय 2 हो जाता है, मतलब रूट बन जाता है रूट। तो x इज इक्वल टू क्या बन गया, रूट ऑफ प्लस माइनस रूट ऑफ बेटे माइनस वन। प्लस माइनस क्यों आता है अपन को पता है, प्लस माइनस डालने से क्योंकि स्क्वायर है वहां पे इंपैक्ट खत्म हो जाता है। तो x के लिए अपन ने क्या बोला, प्लस माइनस रूट माइनस वन बेटे, राइट। अब दुनिया वालों ने बोला भैया कि जो x है आपके पास, ये बेटे जो x है ये रूट माइनस वन है, ये कौन है? हम लोगों ने इसको बोला रूट माइनस वन, दैट इज कॉल्ड विद इमेजिनरी नंबर। सही है भाई, क्या बोला अपन ने इसको बेटे, इमेजिनरी नंबर बेटे, राइट। सही है, जिसको हम लोगों ने बेटे इमेज नंबर रूट माइनस वन इमेज नंबर विच इज रिप्रेजेंट बाय आयोटा, आयोटा, आयोटा मतलब आई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, लिखते भी ऐसे हम इसको आयोटा, आई को ऑट लेना आयोटा। सही है बेटे, तो नाउ रूट ऑफ माइनस वन विच इज इक्वल टू क्या बेटे, आयोटा अपने पास। सही है, चलो आपसे पूछता हूँ जवाब देना, कौन दे सकता है बेटे? आयोटा तो रूट माइनस वन हो गया जिंदगी में, राइट बेटे। अब सिंपल सी बात बताना, बहुत प्यारी सी बात पूछूंगा आपसे मैं, अगर आयोटा आपके पास रूट माइनस वन है तो आयोटा स्क्वायर बेटे क्या होगा, सोच के बताओ। आयोटा स्क्वायर माइनस वन, माइनस वन। अरे झूठ बोल रहे, झूठ बोल रहे सबके सब। आयोटा स्क्वायर क्या होगा बोलो सोच के, कपिश क्या होना चाहिए आयोटा स्क्वायर, कपिश क्या होना चाहिए आयोटा स्क्वायर बेटे? माइनस वन। पक्का शोर ना बेटे? विदित तेरे को तो मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा बेटे, याद रखियो। अब तेरा वीडियो दोबारा बंद हो जाए तो बेटे अब बंद। हाँ भाई आयोटा स्क्वायर क्या आएगा जल्दी से बोलो फटाफट से, बंद। वन या माइनस वन? सर वन आएगा। अरे यार कैसी बात कर रहे हो, माइनस वन या वन? माइनस वन। पक्का ना माइनस वन आएगा भाई? अरे तुम लोग कितने नालायक वाली बात करते हो बेटे। आयोटा स्क्वायर मतलब, अरे मैं दिखाता हूँ देखो, रूट माइनस वन का अच्छा मैंने स्केयर किया दोनों साइड, चलो आपको और अच्छा महसूस कराते, ये आ गया। तो अपन ने बोला माइनस वन, ये रूट अपने पास होता है वन बाय टू, रूट का मतलब होता है वन बाय टू, हटाया इंटू टू, टू से टू कैंसिल हो गया, तो आयोटा स्केयर का वैल्यू बनता है बेटे अपने पास माइनस वन। सही है, तो आयोटा स्केयर अपने पास क्या बना बेटे, इज इक्वल टू माइनस वन, ये अपने दिमाग में घुस गया। अब इसके बाद क्या सर, आयोटा में प्लस माइनस अंडर रूट माइनस वन नहीं आता या सिर्फ अंडर रूट? देखो आपके सामने मैंने क्या लिखा है, देखो बेटे एक्स की वैल्यू प्लस माइनस आयोटा हो सकती है, बट रूट माइनस वन इज ऑलवेज इक्वल टू आयोटा बेटे। बस मेरे कहने का मतलब सर यही है, आयोटा माने रूट माइनस वन बेटे, बस ठीक है ना। तो एक्स की वैल्यू अगर माइनस होगा तो आयोटा ही होगा, माइनस ऑफ रूट माइनस वन। नहीं, किसने कहा आपको माइनस और रूट माइनस वन ऑफ आयोटा होता है बेटे, पहले ये बताओ। मैंने कहा रूट माइनस वन इज इक्वल टू, अच्छा बता ऐसा है बेटे, मैं भी बता रहा हूँ अग्रिमा जी कि ना इसके अंदर रूट माइनस वन आयोटा होता है बेटे, ठीक है। अब आप लिख सकते हो यहाँ पर एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू ऑलवेज प्लस माइनस आयोटा, वो एक अलग चीज है राइट बेटे, बट रूट माइनस वन इज इक्वल टू आयोटा ऑलवेज, राइट। तो आयोटा स्क्वायर क्या मन में आ गया आपके, आयोटा स्क्वायर माने क्या बोलो जल्दी से, आयोटा स्क्वायर माने क्या? माइनस वन, सही है। चलो अभी एक और चीज देखते हैं, खेलना शुरू करते हैं बेटे हम लोग। मैं बहुत बेसिक शुरू कर रहा हूँ और धीरे धीरे ऐसी जगह पहुंच जाऊंगा आप बोलोगे तो कमाल और धमाल दोनों एक साथ हो रहा है साहब, ठीक है। तो अभी लिखा अपन ने आयोटा माने रूट ऑफ माइनस वन, राइट। सही है, ये आपके पास हो गया बेटे। अब आयोटा माने क्या बोला फटाफट से बोलो मैंने, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, रूट ऑफ माइनस वन। मेहरप्रीत मेरे को दिखाई दे रहा है बेटे, तुमने वीडियो बंद कर दी, विधानी मेहरप्रीत और अमीशा। तो आयोटा स्क्वायर बेटे क्या आएगा आपके पास, दिस इज अ माइनस वन। चलो गैस मारो, गैस मारो बेटे, आपको बेटे मेलेडी ट्रॉफी दूंगा बेटे। आयोटा क्यूब क्या होगा ये बताओ पहले, बोलो आयोटा क्यूब क्या बनेगा? सर माइनस आयोटा, सर माइनस आयोटा। क्यों, सपने में आ रहा आपके?
कैसे आया बताओ, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू क्या आएगा जल्दी से बताओ सर, माइनस वन इंटू आयोटा माइनस आयोटा। अपन ने बोला देखे दोस्त आयोटा क्यूब निकालना ना सर, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। क्या बात है, बोला कि ये ना पावर अलग हो जाएंगी। आयोटा क्यूब माने क्या, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ आयोटा क्यूब के वैल्यू, बट आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर कितना आएगा अपने पास, माइनस वन, और आयोटा की आएगी आयोटा स्क्वायर आएगा माइनस वन इंटू आयोटा माइनस आयोटा। वेरी गुड बेटे, सो आयोटा क्यूब माने क्या बेटे, माइनस आयोटा। सही है भाई, सो आयोटा क्यूब मैंने क्या बोला बेटे, माइनस आयोटा, चलेगा सही है। चलो अब अगला आंसर देना फटाफट से सोच के बेटे, ये तो बेसिक निकाल दो ना, फिर अपन मस्त चीज में चलेंगे। अब सोच के बताना आयोटा फोर कितना आएगा, आयोटा फोर वन। क्यों, कैसे मालूम चला आयोटा मतलब बनाएगा, आयोटा हाँ कितना आएगा बोलो, इंटू आयोटा वन। सोच के बताना, सोच के फटाफट से, वन 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 पक्का, वन वन यस सर वन। कैसे वन है, आयोटा की फोर कितना हो गया अपने पास, वन हो गया। सही है, चलो ये बात दिमाग घुस गई। तो अपने को चार वैल्यूज तो दिमाग में आ गई बेटे, चार वैल्यूज क्या क्या है देखना। आयोटा माने क्या बोला अपन ने, रूट माइनस वन। आयोटा स्क्वायर अपन ने क्या बोला, माइनस वन। आयोटा क्यूब क्या बोला अपन ने, माइनस आयोटा। और आयोटा फोर क्या बोला अपन ने, वन। राइट और रॉन्ग, सही है। चलो ये किसी को दिक्कत हो बता सकते हो बेटे, यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बता सकते हो बेटे आप, नहीं तो अपन आगे चलते हैं बेटे। क्या चीज नोट करना है सर, एक बार ऊपर से दिखा दो। लो लो भाई, लो 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 लो, ये लो। क्या पूछ रहे थे बेटे, कोई बच्चा बीच में भी आयोटा क्यूब कुछ पूछ रहे थे, कौन पूछ रहा था सर, हमने आयोटा क्यूब को माइनस आयोटा की जगह वो लिख सकते हैं, माइनस माइनस रूट माइनस वन। बेटे पता क्या है बेटे, दो चीजें समझना बेटा एरिका है बेटे, आप किसी बेटे कुएं के पास खड़े हो और पीछे से कोई धक्का मार दे, दिस इज कॉल्ड बी द बेटे कोइंसिडेंस। ये किसी के साथ भी हो सकता है। हम बेटे खुद से कुएं में छलांग मार दे बेटे, ये एक अलग चीज है। आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बेटे, तो जब हमने रूट ऑफ माइनस वन को आयोटा नाम दे दिया, हमने इस कॉम्प्लेक्स चीज को खत्म करने के लिए तो आयोटा नाम दिया कि मैं कब तक रूट माइनस वन से गुजारा करता रहूंगा, चलो आओ इसका नामकरण कर देते हैं बेटे। हमने नामकरण कर दिया आयोटा बेटे, जितना रूट ऑफ माइनस वन घूमते जाओगे उतना क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल बनता जाएगा, इसलिए बोलता हूँ इसे सुसाइड करना है साहब ये, ठीक है। कह रहे सर सीधा सीधा बोल देते, नहीं लिखना था, इतना बड़ा भाषण गाड़ दिया। अब तुमको याद रहेगा कि कभी आपको रूट माइनस वन में डील करना ही नहीं है, अपन को डील ही आयोटा से करना है, हमेशा हमेशा डील आयोटा से करना है बेटे। अब देखो इसका आंसर अक्षत देगा, कितना जादूगर बंदा देखो बेटे अक्षत। अरे डेरी मिल्क सिल्क इधर। अब देखो ध्यान से, देखते कौन इसका आंसर देता है बेटे आयोटा की बार। ध्यान सुनना मैं जो बोलने जा रहा हूं बेटे आपके पास, किसी बच्चे में आंसर देने का थोड़ा सा हिम्मत होना चाहिए बेटे। बस आपके पास जब भी आप खेलते हो बेटे, आप आयोटा को बोलते हो माइनस वन, आयोटा क्यूब बोलते हो बेटे माइनस आयोटा, आयोटा फोर बोलते हो वन बेटे, राइट। देखो हम किसी भी वैल्यू को कितना जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं, दिखाओ कैसे। आयोटा की वैल्यू रूट माइनस, सर आयोटा में अंडर रूट है। ओ देखो बेटे कितने प्यारे है ना, तो आयोटा स्क्वायर कितना आएगा बेटे, माइनस वन, राइट। चलो अब सुनना बेटे, अब कहानी क्या आती है इसके अंदर, जरा ध्यान से सुनना बेटे। मैंने कहा साहब आयोटा की पावर फोर वन है, तो दिमाग में चीज घूमी यार, देखना दुनिया में आयोटा की पावर फोर अगर वन है तो आयोटा की फोर में कुछ भी कर दू, कुछ भी, इसका आंसर तो हमेशा वन आएगा। बोलो सही है गलत है? यार बोलो सही है गलत है यार, दुनिया में आयोटा फोर बैठा है उसके ऊपर कुछ भी आके बैठ गया, आंसर हमेशा वन आएगा, बताओ क्यों? क्योंकि आयोटा फोर ने अपने आप को क्या घोषित कर रखा है, आयोटा फोर में तो वन हो जी, और वन के ऊपर कुछ भी लग जाए, बोलो ना, वन के ऊपर कुछ भी लगते तो क्या आंसर आएगा, बोलो हमेशा
वन। इसका मतलब अगर किसी ने आपसे पूछा आयोटा 16 बताओ क्या, आप क्या आंसर दोगे? वन। क्यों दोगे वन आप? क्योंकि आपको समझ आ गया दोस्त, ये ना आयोटा की बार 4 की बार 4 होगा, सही है गलत है? जिसका आंसर बेटा क्या बन जाएगा? वन। इसका मतलब मेरे दिमाग में बात आती है, जिस दिन यहाँ पे आयोटा के ऊपर मल्टीपल ऑफ 4 बैठ गया उस दिन मैं इसे 1 घोषित कर दूंगा, सही है? Yes, sir. नहीं समझ आया बात? Yes, sir, चलो अब मेरी बात को और प्यार सुनना। इसका मतलब आयोटा रेस टू बार 4n इज ऑलवेज इक्वल टू 1, सही है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. क्या बेटे आपके अंदर ये अनुभव आया आयोटा की बार 4n इज इक्वल टू हमेशा क्या होगा बेटे? 1। Yes, sir. सही है, चलो डन है। अब मेरे मन में एक छोटी छोटी बातें और भी आपके लिए आ रही है बेटे, सुनते जाना ध्यान से। आयोटा 4 की पावर अगर 3 हो तो 4 की बार क्या हो बेटे? कुछ भी हो, 3 से प्यार थोड़ना है बेटे हमें, कुछ भी हो आयोटा की बार 4n ऑलवेज इक्वल टू 1 बेटे, ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है ना? कुछ भी पावर हो, आई डोंट केयर बेटे, मुझे इसकी परवाह ही नहीं है, सही है? ओके दक्ष और शौर्या बेटे अपना एक बार माइक बंद कर ले, आपका शोर आ रहा है बेटे वहां से थोड़ा सा। ओके थैंक यू बेटे, अब मैं आगे की तरफ चलता हूँ, चलो आगे की तरफ थोड़ा सा और जरा समझना बात को बेटे। अब मैंने बोला आयोटा की पार, ध्यान सुनना मैं क्या बोलने वाला हूँ बेटे, आंसर देना कितने बच्चे देते हैं, सबसे बड़ा पॉइंट तो आएगा 600, दो आंसर दो, आयोटा की बात 600 के आंसर आएगा। वन पक्का? तब देखते ही वन क्यों बोल रहे हो? क्यों सर ये ना मल्टीपल ऑफ 4 ऊपर, एग्जैक्टली आयोटा की पावर 4 × 150 हो जाएगा तो आंसर 1 बन जाएगा, वेरी गुड शाबाश। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन देखता हूँ, देखता हूँ कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं, लेट्स सी देखते हैं। आयोटा की पार आयोटा आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब आयोटा 4 इज इक्वल टू, बोलो क्या आंसर आएगा? देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है बेटा, इसका आंसर क्या आएगा बताओ? सर 0। ओह क्या बात कर रहे हो बेटे, सच में क्या बात कर रहे हो, सच बताओ? यस सर 0 आएगा। यस सर। नहीं सर 0 नहीं आएगा। हाँ? 0 आएगा क्योंकि आयोटा और माइनस आयोटा कैंसिल हो जाएगा और -1 प्लस -1 हो जाएगा। ओह मतलब ऐसे बोल रहे सबके सबके बेटे, सब बच्चे कुछ ऐसे बोलाते हैं, आग बेचारे कुछ बच्चे ना ऐसे सुनते रह जाते हैं, मेरी सुना करो बेटे, इनकी ना सुना करो, ये तो बकवास करते रहते हैं ऐसे बेटे, कह रहे सर क्या बात कर रहे हो। आओ सुनो मैं क्या कहना चाहता हूँ, दुनिया में इस आयोटा को आयोटा हाँ, सबसे पहले तो रूट और माइनस वन मत लेके जाओ, रूट माइनस वन लेने की जरूरत नहीं, आयोटा आयोटा रहने दो, अपन को रूट माइनस वन जाना ही नहीं। आयोटा स्क्वायर क्या आएगा? माइनस आयोटा। आयोटा क्यूब क्या आएगा? आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा आएगा ना सर, आयोटा स्क्वायर तो माइनस वन होता है। चलो शुक्र है बेटे आप जाग रहे हो, आप जाग रहे हो मान लिया बेटे, आयोटा स्क्वायर माइनस वन। आयोटा क्यूब क्या होता है? माइनस आयोटा। शाबाश। आयोटा फोर क्या होता है? आयोटा फोर क्या होता है? माइनस वन। क्या बात है, तो आयोटा माइनस वन माइनस आयोटा प्लस वन, आयोटा ने आयोटा से सेटिंग कर ली, वन ने वन से सेटिंग कर ली, आंसर इज 0, आंसर इज 0 बेटे, बोलो गलत है ठीक? ठीक। बात समझ आई है नहीं आई बताओ? यस सर। पक्का? पक्का आ गई समझ बात आपको? अब मैं आपको बताता हूँ एक चीज और दिखाता हूँ, मस्त दिखाने की कोशिश करूँ एक चीज और मस्त बेटे। अच्छा आप बताना इसका आंसर क्या बनेगा, देखते हैं कितना कैपेबिलिटी आपके पास आया बेटे, राइट? अरे बताना देख के। हाँ लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले हैंड रेस करो, सर मैं दूंगा या मैं दूंगी इसका आंसर, एक व्यक्ति के रूप में मैं आंसर या मैं दूंगा, सब मेरे को आ गया सब समझ, आप क्वेश्चन पूछो मैं आंसर दूंगी बताओ। देखो स्क्रीन ने फटाफट से रपटी मारी, जिस जिसके हैंड रेज हो रहे थे वो फटाफट से आगे आगे, बाकी सबको पीछे उठा के फेंक दिया स्क्रीन ने, क्या बात है, मस्त चीज है बेटा ये, कैमरामैन आपने बहुत सही चीज किया मेरे साथ आज ये, क्या बात है। कुल मिला के कितने बच्चों ने हैंड रेज किए बेटे? 30। ओके क्लैप मारा 30, बस 31, अरे नलायक 50% बच्चों ने भी नहीं किया है, डूब मरो बेटे आप सब। आओ मैं एक बंदे को पकड़ता हूँ, कौन है बंदी को बेटे? चलो प्रियांशी जी आंसर देंगे, प्रियांशी जी से मैं, प्रियांशी जी बताओ इसका आंसर क्या बनेगा, और आपको ना अपना आंसर देने के लिए सिर्फ 10 सेकंड है आपके पास, क्वेश्चन लिखते हैं 10 सेकंड। आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब आयोटा 4 आयोटा 5, बोलो आंसर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
टेन बोलो आंसर बेटे क्या है वो? सर मैं बताऊं? जल्दी से बोलो आंसर बेटे क्या आएगा बोलो सर मैं बताऊं शौर्य बता बेटे क्या आएगा सर जीरो कैसे जीरो शौर्य ये बता बेटे जरा सर आयोटा फाइव हमारा वन में क्या होगा कि सर उसे वन ले लेंगे मतलब आयोटा होता है उसके बाद वन प्लस समथिंग करके आ जाएगा देखो मैं आपको एक चीज दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटे पिछले क्वेश्चन में आयोटा स्क्वायर किया आयोटा मैं बता रहा हूँ अरे मैं ही बता रहा हूँ रुको हाँ कोई बात नहीं सॉरी यू आर एब्सोल्युटली राइट बेटे मेरे को यही तो चीज बतानी है इन सबको बेटे आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब आयोटा सब सेम है आपको पता है बेटे सच बात क्या है आपको ये पता होना चाहिए जो आयोटा फाइव है वो क्या है देखो आयोटा फाइव का मतलब होता है आयोटा फोर इंटू आयोटा राइट और रॉन्ग बोलो गलतियां ठीक इसको माइनस अब आयोटा फोर तो वन होता है बेसिकली ये तो आयोटा हो गया मतलब फिर से ही आयोटा आ गया देखो अरे फिर से ही आयोटा आ गया देखो तो ये स्टेटमेंट पिछले वाला नहीं बन गया एक तरह से देखो बड़े ध्यान से यस सर तो फिर से आंसर क्या बनना चाहिए जीरो बनना चाहिए भाई हाँ बेटे अक्षत वाह बेटे अक्षत बस चले बेटे अब मेरी बात को जरा और गौर से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ साथ साथ क्या सबको ये बात समझ आई बेटे मेरे कहने का ये क्वेश्चन देने के दो मतलब है बेटे यहाँ पर और दोनों मतलब को अब ध्यान से सुनना दोनों मतलब क्या है बेटे सबसे पहली बात मैं ये कहना चाह रहा हूं जब भी आयोटा आयोटा टू आयोटा थ्री आयोटा फोर एक सीरियल ऑर्डर में आ जाए और चार टर्म आ जाए सीरियल ऑर्डर में मतलब कॉन्सिक्यूटिव में आ जाए और चार टर्म में आ जाए आंसर हमेशा जीरो बनेगा ओके आंसर हमेशा क्या बनेगा भाई जीरो बनेगा सर वन टू थ्री फोर सर अगर टू थ्री फोर फाइव ले तो भाई बताया तो ये फिर से आयोटा बन जाएगा फिर से भी जीरो सर आयोटा टू ना अगर आयोटा सिक्स आ गया तो फिर से जीरो भाई ऑर्डर चल रहा है तीन चार पांच छह तो चार जब भी बनते रहेंगे तो आंसर हमेशा क्या बनेगा जीरो बनता रहेगा हमेशा आपके पास राइट और रॉन्ग और ये आपको पता होना चाहिए ना यही तो बात समझा रहा हूं कि आयोटा फोर के बाद जो भी नंबर शुरू होगा आई फाइव वो आयोटा वन होगा आयोटा सिक्स आयोटा टू की तरह काम करेगा क्योंकि फोर के बाद साइक्लिक ऑर्डर है भाई साइक्लिक ऑर्डर है फोर के बाद आंसर घूमने शुरू हो जाएंगे दोबारा सेम टू सेम ये खास है बेटे इसके अंदर सही है बात समझ आई है नहीं पहले ये बताओ इज इट क्लियर और नॉट यस सर सभी को भेजे में घुसी बोलो या अभी नहीं घुसी क्या सर अभी तो थोड़ा सा घुस गई चलो अभी और थोड़ी सी बात करते हैं मीठी सी मीठी बात और मीठी मीठी बात क्या है जरा ध्यान सुनना बेटा आपके पास क्या है मीठी बात मैंने लिखा आयोटा की बार वन टू थ्री फोर ऑर्डर में आंसर आएगा तो हमेशा जीरो बनेगा ये आपके दिमाग में घुस गई बात अब अपन ने लिखा दोस्त आयोटा की पार फोर एन प्लस वन प्लस आयोटा की पार फोर एन प्लस टू प्लस आयोटा की बार फोर एन प्लस थ्री प्लस आयोटा की बार फोर एन प्लस फोर आंसर बोलो सर जीरो उसी को सर वैसे फॉर्म में लिख दिया फोर के बाद वन फिर तो आयोटा फिर आयोटा स्क्वायर फिर आयोटा क्यूब और फिर आयोटा रेस्ट ऑफ द फोर मतलब क्या ये सेम क्वेश्चन है और वैसे भी ये साइक्लिक ऑर्डर में है यार देखो ना एक एक तो बढ़ रहा है इसके अंदर पक्का ना सही है तो आंसर विल भी क्या आने वाला आपके बेटे दोबारा से जीरो क्या आने वाला है भाई जीरो क्या आपको इतनी सी बात समझ आती है अब आ गई यस सर डन हो गया पक्का हो गया बेटे अब बढ़िया शानदार तरीके से समझ आ गया ना यस सर आओ अब थोड़ी सी और फील कराता हूँ हाँ धीरे धीरे बेटे नोट कर रहे हो साथ साथ ना सबके सब यस सर एक बार ये वाला क्वेश्चन समझा दो ये वाला क्वेश्चन दोबारा सुकलीन समझाने की जरूरत ही नहीं है देखिए ये बेटे अब आप बात को समझना पड़े दोबारा से आयोटा की पार फोर एन इंटू आयोटा की पार वन आयोटा की पार फोर एन इंटू आयोटा स्क्वायर बेटे आयोटा की पार फोर एन इंटू आयोटा क्यूब बेटे आयोटा की पार फोर एन इंटू आयोटा की पार फोर सही लिखा बताओ सुकलीन में नहीं है सुकलीन सही लिखा मैंने पहले तुम्हारा कैमरा ऑन कर फटाफट से फिर अब आयोटा फोर एन आयोटा फोर एन ये तो सब क्या होते बेटे वन हो गए ना तो वन इंटू आयोटा फिर उसके बाद टू इंटू सॉरी ये वाला आयोटा स्क्वायर इंटू वन फिर वन इंटू आयोटा क्यूब वन इंटू आयोटा की बार फोर आंसर जीरो आएगा सुकलीन था बेटे अब यस सर
तो पॉइंट सिर्फ यही उठता है बेटे कि 4n के बाद आपकी जो वैल्यू होती है वो सेम टू सेम रहती है। देखो मैं आपको सॉल्व करने के लिए बात समझाता हूँ। किसी ने मुझसे क्वेश्चन में पूछा आयोटा रेस टू बार 600, तो आपने आंसर फटाफट से 1 दे दिया। कैसे? बिकॉज यू नो दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 4 भाई, सीधी सी बात है। किसी ने आंसर बोला आयोटा रेस टू बार 601, मैं पता क्या बोलूंगा, अबे चलना 600 तक तो कौन देखता है, 601 पूछ रहे हो ना, 600 तक तो मुझे पता कितना आएगा, बोलो कितना आएगा 600 तक, तो 1 आएगा। तो अपने बोला देख यार ऐसा दोस्त 600 अलग कर ले, 1 अलग कर लिए, तो 1 बन गया, आयोटा आंसर आ गया। सही है गलत है? 600 के बाद जितना बच गया आयोटा वो आपका आंसर है। अरे यार मल्टीपल ऑफ 4 के बाद जो बच गया वो आपका आंसर है, सीधी सी बात है। सर कैसे? ये देखो ध्यान से, आयोटा की बार 602, बताओ भाई 600 तक का आंसर क्या आएगा? सही है। तो बचा क्या ये बताओ, 600 के बाद कितना बचा? आयोटा की पावर 2। आयोटा की पावर 2 बचा भाई, ऐसा आपसे बता, आंसर इज -1। सही है ना? किसी ने पूछा आयोटा रेस टू पर 603, अपन क्या आंसर देगा बताओ भाई? 604, मैं चल बकवास मत कर आंसर बन दे दे। सही है गलत है? सही है। नहीं सही है, बोलो सही है या सही नहीं है? डन। अश्मित क्लियर है नॉट? यस सर। ठीक है डन।